वकांडा फॉर एवर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मूवी जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमें क्या देखने को मिल सकता है। बट हाल ही में इससे रिलेटेड कुछ तीन काफी कमाल के अपडेट आए हैं जिसको सुनकर आप खुश होने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। मैं महारानी हूँ इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश की और मेरा पूरा परिवार मिल चुका है। नंबर वन, सबसे पहला जो अपडेट है वो है इसकी रनिंग टाइमिंग को लेकर। मूवी की टोटल ओवरऑल रनिंग टाइमिंग कंफर्म हो चुकी है जो कि होने वाली है 2 घंटे 41 मिनट। और ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जो कि फेज 4 की लास्ट मूवी होने वाली है, मेरे हिसाब से अगर ऑडियंस को मूवी में वो चीज़ मिली जो वो चाहते हैं और उसी के साथ मूवी अगर लॉन्ग होती है तो और ज़्यादा थिएटर में मज़ा आएगा। तो करीब 2 घंटा 41 मिनट एक परफेक्ट रन टाइम है मूवी को इंजॉय करने के लिए। देन सेकेंड अपडेट है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में रूमर चल रहा काफ़ी तगड़ा कि इस मूवी में आपको 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेंगे जो कि एक मिड होगा और एक लास्ट वाला होगा। और लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट सीन सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से रूमर आ रहा है कि वो डॉक्टर डूम का होने वाला है जो कि आने वाले टाइम में फैंटास्टिक फोर मूवी से कनेक्टेड होगी। अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में जो कि है ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट। तो नेक्स्ट वीक में यानी कि अक्टूबर के मंथ में आपको उसका ऑफिशियली सेकंड ट्रेलर देखने वाला है जिसमें कि हमें न्यू फुटेज भी देखने को मिलेंगी। और आज के दिन डेडपूल 3 से रिलेटेड काफ़ी कमाल का अपडेट आया तो आपको राइट एंड पे वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं।